नमस्ते सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डीआईवाई विद केतकी। आज के वीडियोस में से एक भी डीआईवाई पसंद आए तो ज़रूर यार एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन टर्न्ड ऑन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है एक पुराना सा कार्डबोर्ड पीस जिसे मैंने इस तरह हेक्सागन शेप में कट किया है और ऐसे मैंने तीन बनाए हैं और इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे वॉल पुट्टी से। तो यहाँ मैंने लिया है ये बिरला वॉल पुट्टी, तो ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, मुझे बस इसका जो क्वालिटी है ना इस पुट्टी का बहुत अच्छा लगा। इट इज़ वेरी वाइट, इट इज़ नाइस स्टिकी और इससे काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें आप बना सकते हो। तो मैंने सिंपल पानी में इसका घोल मिला के इस तरह से एक पेस्ट बनाया है और इसे हम यहाँ पर स्प्रेड करेंगे। तो जो केक बनाती होंगी ना आप में से कुछ, तो आपके लिए काफ़ी इजी है, आप हाथ से भी स्प्रेड कर सकते हो। मेरे पास ये नाइफ था इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। आपको सारे एजेस पे भी इसे लगाना है और अच्छे से सूखने देना है। तो ये तीनों पैनल्स हमारे रेडी है, इसके बाद मैंने पेंसिल से कुछ डिज़ाइंस ड्रॉ की है, तीनों के ऊपर कुछ अलग अलग पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं। जैसे ये जो फर्स्ट वाला है इसके ऊपर मैंने कुछ फ्लोरल पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं और इसे मैं पेंट कर रही हूँ फेविक्रिल एक्रिलिक कलर्स के साथ। तो ये होती है सनफ्लावर किट और एक है नियॉन किट, तो दोनों के कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स है ये। और इसके साथ जो दूसरा पैनल मैंने बनाया उसके ऊपर मैं इस तरह कुछ बर्ड्स पेंट कर रही हूँ और इन बर्ड्स के साथ एक प्यारा सा ट्री है। और साथ ही में जो तीसरा वाला है इसमें मैंने बनाया है एक हैप्पी फैमिली और ये अच्छे हैप्पीली कुछ खेल कूद रहे हैं, इस टाइप से मैंने सिंपल ड्रॉइंग किया और उसको पेंट कर दिया। तो हमारे वॉल पैनल्स कुछ इस तरह दिख रहे हैं फिलहाल, बट वेट फॉर द मैजिक एंड हियर इट इज़। तो मैंने ब्लैक एक्रिलिक कलर से इसे आउटलाइन देना शुरू किया, तो जो भी हमारी डिज़ाइन होती है ना वो इतनी उभर के आती है। और आप चाहो तो आपके बच्चों के साथ ये वाला पार्ट आप शेयर कर सकते हो, इफ़ दे डोंट नो हाउ टू होल्ड द ब्रश एंड ऑल तो आप उन्हें सिंपली ब्लैक मार्कर दीजिए एंड दे विल डू दिस वर्क फॉर यू। तो बिलीव मी उनके लिए ये फन एक्टिविटी भी होगी और साथ ही में दे विल स्टेडिली सिट ऑन वन प्लेस और आपका काम भी काफ़ी इजीली हो जाएगा। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, राइट? तो मैं तो यहाँ पे लिव लव एंड लाफ ये वाले वर्ड्स लिख रही हूँ, वेरी पावरफुल वर्ड्स। आप चाहे तो आपको जो भी मोटिवेशन देते हैं वो सारे वर्ड्स आप इस पे लिखिए, इंग्लिश ही लिखना है कोई ज़रूरी नहीं, आपकी मातृभाषा में भी लिखिए यार, बहुत सुंदर दिखेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे ब्लैक एक्रेलिक पेंट से हाईलाइट किया और ये सारे रेडी है। एंड या नोट दिस, आई हैव पुट सम क्यूट लिटिल हार्ट्स फॉर दीज बर्डीज़, तो ये बहुत अच्छे से दिख रहा है। मैंने सोचा इसे मैं जूट रोप लगा के आउटलाइन कर दूँ, देन आई थॉट नहीं यार एवरी टाइम जूट रोप क्यों यूज़ करे, तो मैंने देखिए इसे येल्लो आउटलाइन दे दिया है। और आप इसे किसी भी तरह प्लेस कीजिए, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन या आप इसे स्टैंडिंग लाइन में प्लेस कीजिए या फिर इस तरह से, जो भी पैटर्न आपको पसंद आए। और हाँ, जैसे आप लोग बहुत पूछते हो कि यार टू वे टेप से तो आपकी दीवार ख़राब हो जाती है, हाँ मेरे घर पे भी कोई कोई पार्ट्स पे वैसा हुआ है, नॉट इन एवरी कॉर्नर, बट इसकी ट्रिक है आप ना यहाँ पे मास्किंग टेप को प्लेस कीजिए, उसके ऊपर आप टू वे टेप को लगाइए, दैट इज़ द डबल साइडेड टेप, तो उससे ना आपकी दीवार ख़राब नहीं होगी। और हाँ, ये वाला ट्रिक जो टू वे टेप डबल साइडेड टेप का है, अप्लाई दिस ओनली टू द वेरी लाइट वेट जो भी आपका वॉल डेकोर है उसके लिए, अदरवाइज आप कमांड हुक्स यूज़ कीजिए या फिर वॉल फ्रेम्स लगा के हुक लगा के आपको उसे प्लेस करना होगा, हैंग करना होगा। तो दिस इज़ माई डी आई वाई फॉर टुडे, मैंने तीन बनाए हैं, आई वुड सजेस्ट आपको जितने भी बनाने हैं बनाइए, आपके बच्चों के रूम के लिए बनाइए, कुछ मोटिवेशनल कोट्स लिखिए, कुछ जोक्स लिखिए यार, एक अच्छा सा फन कॉर्नर तैयार हो जाएगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट डी आई वाई। एंड बिफोर दैट, रुदुला वॉज वेरी स्केयर ऑफ डॉगीज फर्स्ट बट अभी उसे बहुत पसंद है। घबरत नहीं इसने तू आता। तो आप इसे बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हो कि यार मृदुला को लेके आओ वीडियो में, जो मेरे हाथ ही नहीं आती इसलिए उसका एक छोटा सा ग्लिम्स दिया। तो ये देखिए मैंने सिमिलर प्रोसेस से यहाँ पे हार्ट बना दिया है, दो होल्स बना दिए और मैं वॉल पुट्टी से ही यहाँ पे रोज़ फ्लावर और लीव्स बना रही हूँ। जब हम एयर ड्राई के लिए यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी इजी होता है हैंडल होना, बट जब हम वॉल पुट्टी से कुछ बना रहे हैं तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ना हाथों को थोड़ा तेल लगाइए व्हेन यू आर नीडिंग द डो, ताकि वो अच्छे से स्टिकी भी रहे और वो थोड़ा स्मूथ हो जाए। देखिए जैसे ये वाला पार्ट है रोज़ के लिए मैं इसे टर्न कर रही हूँ, तो एयर ड्राई के लिए से ईजिली हो जाएगा, बट ऐसे ही अगर हम वॉल पुट्टी से बनाएंगे तो उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। सो दिस इज़ वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जस्ट शेयरिंग विथ यू ऑल।
तो देखिए इस तरह से एक रोज़, वन ऑफ अ काइंड ऑफ रोज़ हमने बनाया है। साथ ही में अभी हम बनाएंगे कुछ लीव्स। तो रोज़ के जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होती है, वो कैसे जिगजैग होता है उसका एज, वैसे ही मैं बना रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्ले टूल यूज़ किया है। आप चाहे तो सिंपल सुई जो होती है, नीडल होती है, उसे आप यूज़ कर सकते हो। तो हमारे दोनों रोज़ेस एंड लीव्स सब तैयार है। तो मुझे किसी सब्सक्राइबर ने बताया था, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, सॉरी, बट उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि आप वॉल पुट्टी को ही एज अ एडेसिव यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने उसका पेस्ट बनाया, यहाँ बेस पे भी लगा दिया, और जो हमारा रोज़ और लीव्स का बॉटम है उस पर भी लगा दिया। तो दिस वॉज़ थोड़ा सा ट्रायल था मेरे लिए, आई वॉज़ नॉट श्योर ये कितना अच्छे से चिपकेगा, बट येस, ये सूखने के बाद काफ़ी अच्छे से चिपका है। ऑब्वियसली आप इसे खींच के निकालोगे तो निकलेगा, बट येस, इट हैज़ डन द वर्क। तो ये हमारा हार्ट रेडी है, इसे हम सूखने रख देते हैं। यह दूसरी ओर मैंने मृदुला का इनिशियल, दैट इज़ एम फॉर मृदुला, यह बनाया है, और उसे भी मैंने वॉल पुट्टी के पेस्ट से ही यहाँ पे ग्लू कर दिया। और उसके जो थोड़े से एजेस रफ़ आ गए थे कटिंग के लिए, तो उसे मैंने पानी का हाथ लगा के थोड़ा सा अच्छे से इस तरह स्मूथ कर दिया है। अब सारी चीज़ सूखने के बाद कम्स द पेंटिंग जॉब। मैंने ऑरेंज में थोड़ा वाइट कलर मिक्स करके एक प्यारा सा ये कलर बना दिया, और पिंक के अलग अलग शेड से रोज़ेस को पेंट कर दिया है, नियॉन ग्रीन से लीव्स को पेंट किया, एंड मृदुला सेड शी इज़ इन जल हाउस, तो उसे ब्लू कलर ही चाहिए, तो मैंने इस तरह ब्लू कलर का ये एम बना दिया है। इसका बैकग्राउंड काफ़ी खाली दिख रहा था, मुझे तब सूझा नहीं मैं क्या करूं, तो इसलिए मैंने ये दूसरा हार्ट है उसे डेकोरेट करना शुरू किया। तो यहाँ मैंने वॉल पुट्टी में ही थोड़ा सा फेविकॉल डाल के जो मिक्सचर बना था उसमें थोड़ा सा ये ऑरेंज कलर मिला दिया, और इसका थिक कंसिस्टेंसी रखा है। तो ये स्टेंसिल मैंने ली है इट्सी बिट्सी से, उसका यूज़ करके मैं यहाँ कुछ पैटर्न बना रही हूँ। इस पार्ट में ये पीचिश ऑरेंज कलर देने के बाद मैंने उसके ऊपर मराठी में लिख दिया है मृदुला। तो यहाँ पे वाइट एक्रिलिक पेंट यूज़ किया है मैंने, अगर आपके पास कुछ मार्कर हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ इसके बेस में, इसके बैकग्राउंड में 3D कोन आउटलाइनर यूज़ करके मैंने कुछ डिज़ाइन बनाए, और सेम पोल्का डॉट्स भी इस तरह दे दिए। तो आप जो भी DIYs बना रहे हो उसे ज़रूर वार्निश के साथ सील कीजिए। और ये है हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स, कैसे लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आया तो ज़रूर बनाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए। अब ये वाला DIY बनाने के लिए मैंने लिया है फिर से एक वेस्ट मटेरियल। ये है एक पुरानी सी बॉटल जो कि मम्मी यूज़ करती थी कुछ पल्सेस वगैरह रखने के लिए। इसका लिड टूट गया है, तो मम्मी ने बोला भाई ले ले और जी ले अपनी ज़िंदगी, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ मम्मी के घर से भी उठा के लेके आती हूँ, मम्मी इससे मैं कुछ बनाऊँगी। तो ये है, मैं फैब्रिका कैमलिन का कलर लिया है और उससे मैंने इसे अच्छे से वाइट कोट किया है। अब कुछ नहीं, हम सिर्फ पल इस पर पेंटिंग करने वाले हैं। तो मैंने सोचा था यार मैं इस पर पिछवाई के कमल ड्रॉ कर दूँ, और जो कि मेरे बहुत फेवरेट है, और मैंने सोचा उसके साथ कुछ नया किया जाए। सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मुझे याद आया कि यार स्वान मुझे बनाने थे, ये हंस बनाने थे काफ़ी दिनों से, तो मैंने उसे यहाँ पे बनाया है। तो पहले इन्हें ब्लू कलर से आउटलाइन किया, क्योंकि जो बैकग्राउंड कलर है वो उसे मैं ब्लू रखने वाली थी। तो यहाँ मृदुला ने मुझे हेल्प किया है थोड़ा थोड़ा, आधा अधूरा, दैट इज़ ओके। आप आपके बच्चों को चांस देते हो ना तो वो खुश हो जाते हैं, उन्हें मोटिवेशन मिलता है, वो बूस्ट हो जाते हैं उससे। तो पूरा बैकग्राउंड मैंने ब्लू कलर कर दिया, उसके बाद जो कमल है उन्हें नियॉन पिंक से पेंट किया है, और फिर उन्हें मैंने आउटलाइन देना शुरू किया। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ये, राइट, कलर कॉम्बिनेशन।
लीव्स को इनके ग्रीन कलर दिया, थोड़ा लाइट एंड डार्क ग्रीन का शेड कर दिया है मैंने, और सारे लीव्स अच्छे से पेंट हो जाए तो उसके ऊपर वाइट पेंट से मैंने इस तरह कुछ आउटलाइन बनाए, कुछ हाईलाइट और फीचर्स दे दिए उसको। साथ में हमारे जो कमल थे उन्हें ब्लैक एक्रेलिक कलर से मैंने आउटलाइन दे दिया, और जब वो सूख गया तो उसके ऊपर मैंने वाइट एक्रेलिक पेंट से इस तरह से आउटलाइन दे दिया, तो ये काफ़ी प्यारे दिख रहे थे। लास्टली हमारे जो हंस थे उन्हें भी मैंने यहाँ पे ब्लैक एक्रिलिक कलर से आउटलाइन किया है, तो आप चाहे तो जैसे भी कलर कॉम्बिनेशन पसंद आते हैं आपको उस टाइप से आप कर सकते हो। और ज़रूर ना कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आपको लगता है मेरा कलर कॉम्बिनेशन कुछ रिपीटेटिव हो रहा है, तो आई विल बी सो हैप्पी अगर आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि ये और ये प्लस ये ऐसा कुछ आप कलर कॉम्बिनेशन बनाइए। टुवर्ड्स द लास्ट यहाँ पे जो ये टॉप और बॉटम पार्ट इसका थोड़ा एम्प्टी था, यहाँ पे मैंने ये ब्लू पॉटरी आर्ट इंस्पायर्ड डिज़ाइन बनाई है। मैंने फटाफट से ही इसे डायरेक्टली पेंट किया तो थोड़ा सा रफनेस आपको दिख सकता है, आई होप यू विल पार्डन मी फॉर दैट। इसे फिर ब्लैक आउटलाइन मैंने कर दिया और जो इसका बैकग्राउंड था उसे येल्लो कलर से मैंने फिल कर दिया। पूरी बॉटल अच्छे से पेंट होने के बाद, सूखने के बाद आप इसे वार्निश का कोट दीजिएगा, और ये देखिए एक हमारा प्यारा सा जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, बहुत ही प्यारी सी ये बॉटल बन गई है। इसे आप एज अ होम डेकोर आइटम रख सकते हो या फिर इसे आप प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं मम्मी के पास हूँ तो आई हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, तो जो भी मेरे पास मिल रहा है ना उससे मैं कुछ ना कुछ बनाने का सोच रही हूँ और बना रही हूँ। तो अगर ये वाला DIY भी पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्रिएटिव लेके और कुछ सस्ते में मस्त बना के। So till then, you all take care and bye-bye.